आज के वीडियो के अंदर बात करने जा रहे हैं कि इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकाली गई हैं, तो उसके लिए देखिए सभी पोस्ट का आप लोगों को ऑफिशियल सिलेबस जो है वो कहाँ से आप लोगों को डाउनलोड करना है वेबसाइट के ऊपर से, मैं आपको सिर्फ वो बताऊंगा। और एमटीएस के पोस्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि उसके लिए क्या ऑफिशियल सिलेबस है, बाकी सभी का आप देखिए मैं जहाँ से बताऊँगा आप वहाँ से डाउनलोड करके आप उसको चेक कर लीजिएगा। चलिए जैसा कि आप सभी को नजर आ रहा है देखिए हम ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ गए हैं iwai.nic.in। यहाँ आने के बाद देखिए अगर आप मोबाइल के अंदर खोल रहे हैं तो आप लोगों को देखिए रिक्रूटमेंट के ऊपर देखिए वैकेंसी के पास आना है यहाँ पे। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा तो देखिए थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा खुलेगा, उसका फिर देखिए कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे देखिए खुलेगा। देखिए वैकेंसी का यहाँ पे टोटल कंप्लीट टोटल आप लोग को यहाँ पे आ गया है यहाँ पे। तो यहाँ देखिए सबसे पहले जो एम्प्लॉयमेंट है जो रिक्रूटमेंट बेसिस आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू यहाँ पे देखिए 11 कैटेगरी के अंदर जो वैकेंसी निकाली गई थी उसके लिए यहाँ पे। तो देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है आप लोग को देखिए यूट्यूब पर मेरे यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोडेड है, आप जाके उसको देख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि देखिए अभी तक आपका पेमेंट करने के लिए आप लोग का ऑप्शन नहीं आ रहा था, प्रीव्यू के बाद ऑप्शन नहीं आ रहा था। देखिए आप लोग को 22/8/24 से देखिए आप लोग यहाँ पे पेमेंट का आप लोग का एक्टिव आपका हो जाएगा यहाँ पे। जब मैंने जैसे कि आपको कहा था कि वेबसाइट के ऊपर जब अपडेट होगा तो मैं आपको बताऊँगा। देखिए 22 अगस्त से देखिए आप लोग का आप लोग उसको पेमेंट करके फाइनल सबमिट कर सकते हैं, अभी तक सिर्फ आप प्रीव्यू तक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए आप लोग को यहाँ पे सिलेबस एंड IRD नोटिस रिगार्डिंग देखिए सिलेबस का यहाँ से आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए जैसे आप आइएगा तो देखिए ये रहा आप लोग का यहाँ पे। तो मैं देखिए डायरेक्ट लिंक दे दूंगा इसका मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, नहीं तो अपने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्ट वहाँ पे आप यहाँ पे आ सकते हैं ठीक है। यहाँ आने का देखिए 48 पेज कुछ यहाँ पे है, तो यहाँ पे देखिए किसका असिस्टेंट डायरेक्टर का पोस्ट का यहाँ पे है। तो यहाँ पे देखिए सारा चीज़ आपको बताया गया है, टीयर वन के अंदर कितने मार्क्स करेगा, टीयर 2 कितने मार्क्स करेगा, इंटरव्यू का क्या वेटेज रहेगा वो सारा चीज़ आप लोग को बताया गया है, और MCQ टाइप का 125 क्वेश्चन रहेगा। तो उसके अंदर देखिए मैक्सिमम किससे कितना क्वेश्चन यहाँ पे आएगा वो आपको यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है यहाँ पे, तो आप इसका देख लीजिएगा। बाकी सही पोस्ट का देखिए आगे हम चलते हैं यहाँ पे। देखिए ये असिस्टेंट डायरेक्टर का है, हम डायरेक्ट MTS के पोस्ट पे यहाँ पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे सभी पोस्ट का आपको यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे सभी का सिलेबस जो आप लोग का यहाँ पे है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे देखिए इसी PDF के अंदर में आ गए, देखिए 35 नंबर पेज के ऊपर देखिए आप लोगों को सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ द MTS, ये आपको MTS का यहाँ पे मिल जाएगा। आप लोगों का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो आप लोग का होने वाला है 1 सेशन के अंदर, वो पेपर विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस MCQs बेस का पेपर आप लोग को यहाँ पे रहेगा। अब बात करते हैं पेपर जो आपका सेट किया जाएगा, बोथ आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर यहाँ पर रहेगा, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश जो लैंग्वेज टेस्ट है उसको उस सेक्शन को छोड़ के बाकी सभी सेक्शन के अंदर इंग्लिश और हिंदी दोनों आपको यहाँ पर रहने वाला है। और सारे क्वेश्चन देखिए 2 मार्क्स का आपको यहाँ पर रहेगा, अगर आप एक गलती करते हैं तो आपका 0.50 मतलब कि आधा मार्क्स आपका कट हो जाएगा, डिडक्ट किया जाएगा ठीक है, आपका नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रखा गया है ओके। उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर का अंदर देखिए क्या क्या चीज़ आपका पूछा जाएगा यहाँ पे। ये सीक्वेंस में नहीं रहेगा, आपको ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन बेसिक आपका यही रहेगा आप लोग को यहाँ पे, जो आप मतलब कि किसी अदर एग्जाम का तैयारी करते हैं वही आपका यहाँ पे रहेगा सारा चीज़। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन देखिए 25 मार्क्स का रहेगा और टोटल 50 मार्क्स का रहेगा, और रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम यहाँ पे 25 मार्क्स का रहेगा, माफ कीजिएगा 25 क्वेश्चन रहेगा और मैक्सिमम मार्क्स 50 मार्क्स का रहेगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसको मैथ कर लेते हैं यहाँ पे वो आपका 25 क्वेश्चन रहेगा और 50 मार्क्स रहेगा, तो कुल मिला के यहाँ पे देखिए 100 क्वेश्चन रहेगा ठीक है। उसका फिर यहाँ पे टोटल यहाँ पे देखिए 100 क्वेश्चन रहेगा और 200 मार्क्स का आपका यहाँ पे रहेगा। उसके बाद जनरल अवेयरनेस भी देखिए 25 क्वेश्चन रहेंगे, 50 मार्क्स का यहाँ पे रहेगा। कुल मिलाकर 2 घंटे का आपको समय यहाँ पे दिया जाएगा यहाँ पे। उसके बाद फिर नोट 1 के अंदर देखिए विजुअली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट के लिए 40% जो डिसेबिलिटी से अबव हैं उनको एक्स्ट्रा 20 मिनट का समय यहाँ पे दिया जाएगा। मेरिट लिस्ट जो आप लोग का प्रिपेयर किया जाएगा यही आपका जो आपका एग्जाम होगा CBT बेस्ड पे उसी के ऊपर आपका मेरिट लिस्ट यहाँ पे बनेगा। अब देखिए सिलेबस आप लोग का यहाँ पे लिखा गया, यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर क्या सिलेबस आप लोग का यहाँ पे है, कैंडिडेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इट्स वोकैबुलरी आपका वोकैब पूछा जाएगा, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड इट्स करेक्ट यूजेज ये आपको पूछा जाएगा, और आपका कॉम्प्रिहेंशन जो आपका सिंपल पैराग्राफ आपका रहेगा वो आपका यहाँ पूछा जाएगा, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पूछा जाएगा ठीक है। उसके बाद फिर रीजनिंग के अंदर आप लोग को यहाँ पे है, तो रीजनिंग के अंदर आपका क्या क्या चीज़ पूछा जाएगा यहाँ पे, जिसके अंदर सबसे पहले यहाँ देखिए अल्फा न्यूमेरिक सीरीज हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, एनालॉगी हो गया, फॉलोइंग डायरेक्शंस, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, जंबलिंग, उसके प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, उसके नॉन वर्बल रीजनिंग जिसके अंदर डायग्राम आपका आ जाता है, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर, ओके क्लॉक, जो आपका बेसिक जो आपको यहाँ पे सभी जगह वही आपको यहाँ पे पूछा जाएगा। उसके बाद न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल यहाँ पे एबिलिटी ये देखिए जो है आपका क्लास 10th तक का आपको यहाँ पे रहेगा। तो इसके अंदर देखिए आप लोग का यहाँ पे क्या 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 चीज़ें आपको पूछा जाएगा, जैसे कि इंटीजर्स,
होल नंबर, उसके फिर एलसीएम एचसीएफ, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अर्थमेटिक्स ऑपरेशन, बोर्ड मास, परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन, वर्क एंड टाइम, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, एवरेजेस, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ बेसिक ज्योमेट्रिक, जो बेसिक आपका ज्योमेट्रिक आपका है वो आपको पूछा जाएगा यहाँ पे। उसके बाद डिस्टेंस एंड टाइम, लाइन्स एंड एंगल्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ सिंपल ग्राफ्स, उसके बाद डाटा, उसके बाद स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट एक्सेट्रा। जो आपका ये बेसिक आपका क्लास टेंथ से भी लोग का यहाँ पे देखिए आपका सिलेबस आप लोग का यहाँ पे है। बेसिक आपको क्लास टेंथ तक आपको यहाँ पे सारी चीज़ करके लेके चलना है यहाँ पे। उसके बाद जनरल अवेयरनेस के बारे में देखिए आप लोग का सोशल स्टडीज़ जो आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट्स एंड कल्चर, सिविक्स, इकोनॉमिक्स जो आपका है, या फिर जनरल साइंस जो है, या एनवायरमेंटल स्टडीज़ है, वो क्लास टेंथ तक आपको यहाँ पे करना है। ये उसके बाद फिर देखिए अगर ये तो कुछ जो है ना यहाँ पे एमटीएस का यहाँ पे देखिए बेसिक चीज़ आपको यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है यहाँ पे वापस से मिनिमम क्वालिफिकेशन देखिए आप लोग का क्लास टेंथ आप लोग का यहाँ पे रखा गया है। 2 घंटे का समय, 100 क्वेश्चन रहेगा, 200 मार्क्स आप लोग के यहाँ पे रहेगा। सेक्शन वाइज देखिए आप लोग का 2 मार्क्स ईच आपका यहाँ पे 50 मार्क्स का यहाँ पे पूरा सेक्शन आप लोग का यहाँ पे रहने वाला है। नेगेटिव मार्किंग देखिए आप लोग का यहाँ पे है, यहाँ पे नंबर ऑफ लैंग्वेज 2 लैंग्वेज के अंदर पेपर आपका रहने वाला है यहाँ पे। उसके बाद बाइलिंगुअल आपका पेपर रहेगा यहाँ पे। सेलेक्ट टाइप्स टू बी डिस्प्लेड, डिफॉल्ट वैल्यू इज यस। उसके बाद फिर ये सारा चीज़ आपको बताया जाएगा, ये बाद में है। सफलिंग का भी यहाँ पे है। अब बात करते हैं डिफिकल्टी लेवल, कितना आपका डिफिकल्टी लेवल आपका यहाँ पे पेपर के अंदर पूछा जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए पहले से आप लोग को बताया गया यहाँ पे, देखिए ईजी जो है आपका 25% रहेगा, मीडियम जो है आपका 50% रहेगा, और डिफिकल्टी जो है 25% क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे। यही सारा चीज़ देखिए आप लोग को यहाँ पे कहा जा रहा है यहाँ पे। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो देखिए जूनियर अकाउंट ऑफिसर का यहाँ पे है, आप इसके अंदर भी देख सकते हैं। सभी का यहाँ पे देखिए आपको सिलेबस मिल जाएगा यहाँ पे, या फिर मैं इस पीडीएफ को देखिए अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, नहीं तो डायरेक्ट लिंक आप लोग को दे दूंगा डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहेगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, मैं वहाँ पर रिप्लाई कर दूंगा। यहाँ पर देखिए टेक्निकल असिस्टेंट का भी देखिए आप लोग को यहाँ मिल जाएगा, यहाँ पे सारा चीज़ आप लोग को यहाँ पे टोटल आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगा, कोई दिक्कत आप लोग को यहाँ पे नहीं होगा सिलेबस को ढूंढने के लिए। चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के अंदर।